अफगानिस्तान पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद से वहां कुछ भी शांत नहीं है। पूरे देश में हर तरफ चीख पुकार और आतंक का माहौल है। लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरे देशों के लोग अपने वतन वापस लौट रहे हैं। भारतीय मूल के भी लोग अफगानिस्तान से वापस भारत आए हैं। मंगलवार यानी 24 अगस्त को अफगानिस्तान से एक भारतीय सिख समुदाय दल लौटकर हिंदुस्तान आया। यह सिख समुदाय अपने साथ 3 बेहद खास और पौराणिक महत्व की वस्तुएं ले आया। अफगानिस्तान से 3 पुरातन हस्तलिखित पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप लेकर अफगान सिख समुदाय का यह दल भारत पहुंचा। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस दल का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने हवाई अड्डे पर ही 3 हस्तलिखित पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रख लिया। बता दें कि लगभग 25 भारतीयों के साथ कुल 78 लोग आज अफगानिस्तान से दुशांबे के रास्ते भारत आए हैं। ये लोग अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।